रात है, पूरा दिन हो गया, मैं क्या फोन कर तू? अभी भाई ये है पिटबुल का वो डॉग जो फाइटर है। गाइस अभी इन बच्चों की ना बॉल पकड़ ली इसने। सो हे गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं चेचुपी की व्लॉग। आज सुबह सुबह ये देखो ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने भाई चादर लपेट लिया अपने पूरे शरीर पे, मम्मी ने लपेट दी होगी क्योंकि इसे ना ठंड लग रही होगी। जब ये खाट पे बैठ जावे ना तो ऐसे कांपता रहेगा कभी कभी, तो मम्मी ने ना इसका फुल जुगाड़ कर दिया है। ऐसे हम देसी लोग लपेटते हैं ना चादर, ऐसे ही पिकू ने भी लपेट लिया है। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है यार ये, इसमें तो ऐसे बिल्कुल भी चादर नहीं लगेगा, कपड़े लाने की भी जरूरत नहीं है अगर इसे ऐसे ही रख लें। और इधर व्यू रेडी हो चुका है, अभी मैं और व्यू जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। भाई घर में ना सीन बन गया, सुबह सुबह खाना बना रहे थे सिलेंडर खत्म हो गया। चलेगा सिलेंडर लेने तू भी चलेगा? ओकमारी ओ खब्बी ओकमारी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज इसकी बात। टक्कर मार दी गोदी ना ले जाने का, मैं ना ले जा रहा गोदी चाबी। व्यू में अभी से इतना दिमाग आ गया है, इसे पता लग गया है कि गाड़ी ना चाबी के बिना नहीं चलती, तो चाबी अपनी जेब में लगा के रखे। गाय की खुशखबरी तो मैं देनी भूल गया तुम लोगों को, आज ना भाई इसका जन्मदिन है तो इसे याद नहीं था। अभी मम्मी का फोन आया, उन्होंने मुझे विश किया तो याद आया। तो रात को 12 बजे क्या मन्नत है विश ना करा? अब तो भूल गए थे। नहीं एक बात तो बता, मतलब मैंने जब मैंने पहले कर दिया विश, गाइस एक बात बताओ, जब मैंने पहले ही विश कर दिया तो अब मैं ना दोबारा विश कर रहा हूँ वीडियो में तुम लोगों के सामने, ताकि तुम्हें भी पता लग जाए कि आज इसका बर्थडे है। मैंने बताया मगा 12 बजे, तब बोले हैप्पी बर्थडे। खाई मम्मी कसम, खादो माँ कसम, मैंने तू खा देना मम्मी कसम, मैं ही बताया मगा 12 बजे और मैंने हैप्पी बर्थडे बोल दिया। तो यार इसने नहीं तो बताया 12 बजे, मैंने हैप्पी बर्थडे बोल दिया बस। पिकू को देखो भाई अभी कितना खतरनाक लग रहा है, ये ना ऐसे देख रहा है जैसे कि किसी के ऊपर अटैक करेगा, बिना इन सरियाओं के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे कि कैदी हो जेल में। और ये गोल्ड चैन डाल के तो गले में ऐसा लगा है जैसे कि संजय दत्त हो। 50 तोला 50 तोला, दोनों की इतनी ज्यादा आदत खराब हो चुकी है, अपने आप ही गाड़ी खिड़की खुलते ही अंदर। डीएम है तू, तेरे लिए पूरी सीट साफ करूं? डीएम वाली फीलिंग ले रहे हैं बच्चे, और पीकू पीछे ले रहा है मंत्री वाली फीलिंग। बस स्टैंड पे जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे पीकू को देख रहे हैं कि गाड़ी में पीकू घूम रहा, सबके इतने दासू रिएक्शन है। मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, रिकॉर्ड कैसे करूंगा अकेला। मैं उतरा था सिलेंडर लेने के लिए, आगे के दोनों शीशे बंद थे, पीछे का शीशा खुला हुआ था पीकू के लिए, ये अगली सीट पे था पिछली सीट पे आ गया। तेरा मेरे बिना मन नहीं लगता क्या? कहाँ ले जाऊं उधर? घर चलेंगे यार बाबू, घर चलेंगे यार, सारी जिद नहीं पूरी कर सकता मैं ऐसे तेरी। क्या है वहाँ? अब ये कह रहा हूँ वहाँ गाड़ी घुमा के लेकर आओ। हाँ हाँ मान गया मान गया, बिस्कुट लिया व्यू ने, व्यू एक बिस्कुट खाओगा बाकी बिस्कुट ये खाओगा। अबे यार क्या सीन बना दिया, रुक 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 अलग ये तो इसके पैर में। अबे ओए रुक, जो तू चोट लग जाएगी तेरे, रुक जा ये कुछ ज्यादा ही बड़ी झोल लगा दी इसके सर। अबे क्या हुआ पैर में? गाइस अभी खुशखबरी की बात, अबे रुक जा गाइस, अभी एक खुशखबरी की बात है, व्यू ने ना बोलना सीख लिया है, मतलब एक शब्द बोलने लगा है ये, पता है क्या? ये कौन है यार? अब बोल के पीछे लग गया ये, बता दे रे। ये एक बार और, आज भाई शुरुआत हो चुकी है इसके बोलने की, दिल खुश हो गया, मेरे जन्मदिन पर सीख गया देख लो। गाइस आज ना मैं इसे एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो इसने सोचा भी नहीं होगा। पापा बोल दे पापा। अच्छा ओ कितनी तेज, ओ भाई तू कह रही कि मैं माँ बुलवाऊंगी तुम पापा बुलवाइयो, जबकि माँ बोलना तो सीख गया। पापा ओ माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, माँ कौन सी है? पकड़ो इसे, पकड़ो 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 पीकू। भाई पीकू पहले तो ये चादर खोल ले वरना चोट खा लेगा ज्यादा। जब ये इतना छोटा है तो इसके लिए ना भाई एक छोटा सा पप्पी लेके आऊंगा, छोटा सा पिल्ला, वो ना भाई इसके साथ ही खेला करेगा। मम्मी ये कह रही थी कि जो तू कबूतर पालता है ना तो वो ना ठीक काम नहीं है हमारे लिए, नहा के मामला फुल सेट है। तो अभी इसे देख लो भूतनी को, इस भूतनी को आज मैं ना इसकी जो भूतने वाली त्वचा है ना उसके लिए एक सरप्राइज देने वाला हूँ। गाइस आज मैं इसे डॉक्टर के लिए जाने वाला हूँ, इसको दवाई दिला दूंगा फुंसियों की। वैसे तो मैंने सोच लिया था कि मैं इसे कभी भी फुंसियों की दवाई नहीं दिलवाने का, क्योंकि इसने ना भाई मिठा खाना छोड़ा नहीं, चीनी इतनी इतनी खा जा, इतनी रसगुल्ले, इतने घर में जितने भी रसगुल्ले मिठा कुछ भी हो ना सब खा जा। तो आज मैं तुझे डॉक्टर के लेके चलूंगा, अब तो खुश हो जाए यार, जन्मदिन में हैप्पी बर्थडे हो जाएगा तेरा। खुश नहीं है क्या तू? कितनी
गाइस अभी चलते हैं घेर में, देखते हैं वहां जाके कितना काम हो गया। मैं ना दबे पांव आया हूँ, बट इन्हें पता नहीं कैसे पता लग जावे। इधर भी देख लो क्या सीन हो रहा है, ये देख लो कैसे लेट रहे चाचा जी। गाइस अभी भाई कमाल ही हो गया, घेर का तो पूरा नक्शा ही बदल गया। ये देख लो क्या हुआ मिस्त्री, तुमने छुट्टी मार दी इतनी, नक्शा बदल दिया पूरा। मिट्टी का लूटा है आज काम पे आ गए हम। मैं तो यहाँ था नहीं, मिट्टी उठ गई फिर भी। गाइस अभी सामने देखो भाई कैसी बुलेरो चल रही है, ऐसी बुलेरो तुमने आज तक ना देखी होगी। ऐसा लग रहा है जैसे कि चार पहियों पे ना माचिस की डिब्बी रख दियो। गाइस अभी जिस भाई के पास रोक और थोर है ना, उस भाई ने पार्टी कर रखी है अपने घर पे। तो अभी ना गाइस मैं पीकू जाने वाले हैं। ओ रुक रुक, वो जैकेट खराब हो जाएगी, रुक। ओ रुक 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 रुक, ओ रुक रुक। ओ भाई यार जैकेट खराब कर दी। ओ रुक यार, क्या यार पूरी जैकेट का सत्यानाश कर दिया। अबे ना भाई एक फाइटर कुत्ता आया हुआ है, उसके साथ देखने वाले हैं पीकू का क्या रिएक्शन होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पीकू के साथ उसकी फाइट ना हो जाए। वैसे भाई पीकू लड़ता नहीं है बिल्कुल भी, बट ऐसा सुना है मैंने, पढ़ा है कि अगर रोटवीलर को छुआ गया ना, गुस्सा आ गया ना, तो भाई इसकी जो बाइट पावर होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और वो ना जब किसी को बाइट करेगा ना तो भाई वो छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि कभी इसकी फाइट ना हो, बट थोड़ा बहुत रिएक्शन देख लेते हैं। फाइनली गाइस पहुंच गए, और भाई ये देख लो कितनी बैंकर भीड़ लगी है पीकू को देखने के लिए। ओए 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 गड़बड़ करती फाइटर है अंदर, तो फाइटर है। ओए पीकू रुक 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 रुक, पिटबुल से बचा कर रखना पड़ेगा भाई। अभी भाई ये है पिटबुल का वो डॉग जो फाइटर है, इसके मुंह पे ना ये कवच सा पहना रखा ताकि ये किसी को काट ना सके। ये ना इतना ज्यादा फाइटर है, तगड़ा बड़े मुंडे झटके मारे पकड़ गए भाई, ये इतना तगड़ा फाइटर है ये ना भाई, आदमियों पे भी चला है। पीकू को इसके साथ मिलाना कोई खतरे से खाली काम नहीं लगता। अगर 1% आज तक पीकू के चेस्ट वाला पट्टा भी नहीं है। इन भाई का है ये डॉग, इन्हें तो ये कुछ नहीं कहता। अगर इनके साथ कोई खड़ा रहा इन्हें भी कुछ नहीं कहता। इन बच्चों की ना बॉल पकड़ ली इसने, निकाल पिको छोड़ दे, खेल लेंगे ये, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं तो दे दे मैं तो दे 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 बाप की बार मत दियो से। गाइस पीकू के लिए तो केक लेने भूल गया था मैं, केक लाया तेरे लिए, खाता नहीं। ओह भाई फाइटर सिम्बा, सिम्बा आएगा जिसका नाम, ये ना घूम के आ गया है और अभी हम इसके आगे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि ये कुछ नहीं कहेगा, बट जब तक इसके मुंह पे कवच है। भाई मैं ना इन दोनों की हिम्मत मानू, ये भी इसका नया ओनर है भाई, ये पुराना ओनर नहीं है, हफ्ता 10 दिन ही हुआ है ऐसे इसके पास है ये। घर पहुंच गए और सबसे पहले मिला कौन, वी यू डोन यू। अब ये सोच रहा कि मुझे गाड़ी में बिठा के कहीं घुमा होगा, बट ऐसा होगा नहीं। ओए आजा, ओए हम तो आगे सारे यार घर पीकू आओ। और गाइस इधर पापा आराम से लेट रहे हैं, पर पापा के मुंह पे ना टेंशन दिख रही है मुझे। तू हिला दे कपड़ा। पापा के मुंह पे टेंशन इसलिए है, मेरी वजह से नहीं है, पापा का फोन खो गया और विक्रांत का फोन फूट गया, डबल डबल नुकसान हो गया आज के दिन ही। पापा मेरी कोई गलती है किसमें? फोन नहीं चाहता, पूरा दिन हो गया मैं फोन कर तू कंट्रोल। किस टाइम फोन करा? अच्छा 12 बजे तक फोन करण। मम्मी मेरे पास 12 बजे तक एक भी फोन नहीं आ रहा है सा। किसका नंबर तक रहा? किसी और के नंबर तक रहा था तो मेरे पास वो होता, फिर मैं बता देते। गाइस पहले चेक करता हूँ भाई पापा ने कितने फोन मिला रखे मेरे पास। पापा मेरे ऊपर बिना बात भड़क रहे, कुल एक फोन कर रखा है वो भी अननोन नंबर से, और उस पे भी मैंने वापस फोन मिला रखा। मेरा नंबर मिला ये स्विच ऑफ आ रहा। पापा बर्थडे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये लो मैंने कहा थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना गिफ्ट लाया, मैं तो काबला लाया था क्वाड के लिए।
हैप्पी बर्थडे। आई यार मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या दूं, कपड़े लत्ते ही दे सकूं बस। बस कपड़े लत्ते ही हो और के हो, मेरे समझ में नहीं आता इसके अलावा कुछ। इसकी पसंद की जो भी चीज होगी वो दे देंगे। ऐसी मंगा दो मेरी, कैसी बात कर दी ऐसी, तो चार मंगा दो मैं, 50 रुपए की तो है। 50 रुपए की है हाँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पापा घर पे हैं और केक काटने के लिए नहीं आए हैं, चाचा आ गए सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि पापा ना टेंशन में चले गए हैं, फोन को गया पापा का गाम बसा नहीं, मंगते पहले आ गए, कटोरी और चम्मच लेके खड़ा हो गया।